जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि एमएस वर्ड की क्लास चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विन वर्ड के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विन वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में। सबसे पहले विन टू आर, और क्या टाइप करेंगे? विन वर्ड। इसमें क्या क्या पढ़ लिए थे? इसमें पढ़े थे फॉन्ट ग्रुप, है ना? फॉन्ट ग्रुप पढ़े थे। क्लिपबोर्ड मैंने कहा था, थोड़ा सा इसमें बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, फॉर्मेट प्रिंटर। बाकी कट कॉपी पेस्ट तो समझ में आ गया था। क्यों, क्या बचा था? फॉर्मेट प्रिंटर, अभी बताएंगे। तो हम पढ़े थे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, और ये पढ़े थे स्ट्राइक थ्रू। एमआरपी के लिए यूज होता है ना। उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है ऐसे एक्स टू, और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, पता है ना? जो नीचे है उसे क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो ऊपर है उसे क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपर, हाँ, सुपर स्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। अब ये भी बता चुके हैं, वर्डपैड में इसको पढ़ा भी चुके हैं आपको पहले से ही। सब सामने देखेंगे, बात नहीं करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और सुन लीजिए। सब स्क्रिप्ट का यूज ज्यादातर किस टर्म में है? केमिस्ट्री टर्म में, मैथ टर्म में हो जाएगा। केमिस्ट्री टर्म हो, अगर मैं जैसे मान लो निकला हूँ H2SO4, तो टू नीचे रखता है। और सुपर स्क्रिप्ट का टर्म ज्यादा है मैथमेटिक्स वगैरह में। जैसे मान लो लिखना हो A² तो ऐसे लिखा जाएगा इसके इस्तेमाल से। शॉर्टकट की भी बताया जा चुका है आप लोगों को। अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉइंटर जब ले जाएंगे इस पे तो शॉर्टकट की बताएगा, है ना? देखिए नाम भी बता रहा है, सबस्क्रिप्ट और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो जो नहीं लिखे होंगे वो लिख लेंगे। ये क्या है? सबस्क्रिप्ट है। इसका इस्तेमाल किस टर्म में है? केमिस्ट्री टर्म में। जैसे मान लो लिखना हो हमको H2SO4, और लिखना हो H2SO4, क्या H2SO4 लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो टू को सिलेक्ट करके कहाँ क्लिक कर देंगे? सबस्क्रिप्ट। या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा दीजिए। ओके, तो नीचे टेक्स्ट जो भी वो है नंबर से, उसको नीचे करने के लिए सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे शॉर्टकट की से कर लीजिए या ऑप्शंस का यूज करके कर लीजिए, आपकी मर्जी। और जो उसके बाद था वो क्या था? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मान लो A² + B², क्या A² B² लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो बी को सिलेक्ट किया, टू को, और सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। बस चाहे शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लीजिए। शॉर्टकट की इसी होती है Ctrl+Shift++, यानी कंट्रोलर के साथ शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ प्लस दबा देंगे। अच्छा, कौन सा प्लस दबाएंगे? नंबर पैड वाला नहीं, जो अल्फाबेट्स के जस्ट ऊपर होता है उसको दबाएंगे। समझ रहे हैं बात को ना? नंबर पैड वाला नहीं दबाते हैं, ठीक है? उसके बाद से ये हो गया। उसके बाद से ये आपका क्या था? ग्रो फॉन्ट। क्या था? ग्रो फॉन्ट। शॉर्टकट की ऐसे लिखा जाता है, Ctrl+ > बस इतना ही लिखा नहीं जाता है। याद रखिए, एक ही कोई सिंबल याद रख लीजिए, जरूरी नहीं है दोनों रखेंगे। दोनों रखेंगे तो हो सकता है आप भूल जाए। बस एक याद करिए कि लेफ्ट साइड में जो मुंह खोलेगा वो आपका ग्रेटर देन का सिंबल। कौन सा सिंबल है? मैंने बताया था ना, इनका भी नाम होता है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और जो इसके अपोजिट मुंह खोलेगा उसे क्या बोलेंगे? लेस देन बोलेंगे। इसको बोलेंगे लेस देन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। क्योंकि हम लोग अक्सर जो लोग बचपन में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे वो ही नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। उनको बस इतना ही पता है कि जो बड़ा है उधर मुंह खोल देना है, बस इतना ही पता है उनको, है ना? लेकिन पढ़ने का सेंस नहीं पता है उनको। उनको बस इतना ही पता है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन ये नहीं जानते कि इनका नाम है। इसका नाम ग्रेटर देन है और इसका नाम लेस देन है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। यहाँ पढ़ा जाता है 16 इज ग्रेटर देन 8, यानी 16 बड़ा है 8 से। यहाँ 8 इज लेस देन 16, 8 छोटा है 16 से। समझ में आ गई बात ना? इनका नाम है। तो कोई सिंबल दो मत याद रखिए, कोई एक सिंबल याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये याद कर लीजिए कि जो भी लेफ्ट साइड में मुंह खुलता है उसका नाम ग्रेटर देन है। मैंने ऐसे याद किया है, आप अपना तरीका आजमा लीजिएगा। ठीक है, सब चीज के साथ कोई ना कोई ट्रिक लगा के रखेंगे दिमाग में तो लाइफ टाइम रहेगी, और नहीं तो भूल जाएगी। सीधी सी बात है, कंप्यूटर चीजें आसान भी है, बहुत जल्दी भूलता भी है। प्रैक्टिस छूटेगा तो कोई चीज भी भूल जाती है ना? चलिए, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। जैसे मान लो लिख दिया GIT, इसकी साइज को बढ़ाना है तो सिलेक्ट कर लिया,
बिना सेलेक्ट किए तो काम होगा नहीं, ये बात तो आपको पता ही है। और कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, अब कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन तो दामान यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जिसपे ग्रेटर देन बना हुआ है उसपे दो चीजें बनी हुई है, फुल स्टाफ और ग्रेटर देन। और आप पढ़े हैं कि जिस बटन पे दो चीजें बनी होती हैं, ऊपर ऊपर वाली चीजें लाने के लिए क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ दबाते हैं, शिफ्ट का मदद लेना पड़ेगा। लेकिन बताएंगे नहीं, कोई शॉर्टकट की पूछेगा तो आप सिर्फ बताएंगे कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तब काम करेगा। और यूज भी करेंगे, लेस करेंगे, लेस देन का सॉरी उसका श्रिंक फॉन्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल लेस देन होता है, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? शिफ्ट की मदद लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिफ्ट एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का। शिफ्ट क्या है? एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का। वैसे शिफ्ट का बहुत इस्तेमाल है, बहुत आगे यूज है। जैसे अभी आपने देखा कंट्रोल शिफ्ट अल्टरनेट, ये तीन बटन ऐसे हैं, अल्ट, ये तीन बटन ऐसे हैं जो जिनका इस्तेमाल अकेले नहीं होता है। अकेले कंट्रोल दबाइए ना, देखो कोई इफेक्ट आ रहा है? देखिए मैं दबा रहा हूँ, शिफ्ट दबाइए, इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तीन बटन ऐसे हैं, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ये तीनों बटन ऐसे हैं जो अकेले काम नहीं करते हैं, किसी ना किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। समझा की बात ना? जैसे शिफ्ट बटन का यूज होता है अल्फाबेट्स को छोटा या बड़ा करने के लिए, शिफ्ट बटन का इस्तेमाल हो रहा है जिस पे दो बटन बने हुए हैं ऊपर वाली चीजें लाने के लिए, ऐसे आगे भी यूज आता रहे। समझ गए ना आप लोग? तो ग्रो फॉन्ट हो गया, श्रिंक फॉन्ट हो गया, कोई दिक्कत? एक नई चीजें पढ़ेंगे इसमें जो वर्डपैड में नहीं था, यहाँ पे है, लिखिएगा चेंज केस, केस लिखिएगा, केस CASE, केस लिखिए, सभी लोग लिखिए केस। अच्छा, अगर वो इंग्लिश टर्म में केस पढ़े तो केस का मतलब होता है इंग्लिश टर्म में कारक। पढ़े होंगे आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा पढ़े होंगे ना? तो वो वाला ये केस नहीं है, यहाँ केस दूसरा है, यहाँ अल्फाबेट्स पे डिपेंडेंट है। तो केस लिखेगा, केस तीन प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ केस, या तो थ्री टाइप्स ऑफ केस, केस तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, बिना चाहे पेपर आना पॉसिबल, पहला लिखिएगा अपर केस, पहला लिखिएगा अपर केस, क्या होता है अपर केस? जरूरी है सीरीज याद करें, आप पहले लोअर भी बोल सकते हैं, या पहले सेंटेंस भी बोल सकते, इधर उधर बोल सकते। तो सेंटेंस के लोअर केस और अपर है, सेंटेंस के लोअर केस और अपर, क्या अच्छा लग नहीं है तो दिमाग में आदि सेट लेगा, लाइट आइट लेगा, आईडी कार्ड कर लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है बार बार इंटरव्यू दोबारा दे दीजिएगा 50 रुपये, बस आप तो अच्छे लगेंगे। और मैंने बनाना ऐसा नहीं है कि आप, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी रेस्पेक्ट करें या डरें, उसका भी ये होती है भाई, तो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करिए, आप खुद अच्छे कहलाइए, आपकी तारीफ हो, ठीक है? कहाँ पे इसके पास नहीं हो, 50 रुपये दे देंगे, दोबारा देते हैं 50 रुपये, इसलिए लिया जाता है ताकि आपको वैल्यू पता चले कि उस आईडी कार्ड की भी वैल्यू है, क्योंकि लोग जो फ्री का समझते हैं तो उसका यूज नहीं करते हैं, या फिर वो लगता है अरे फ्री हो गया, आईडी कार्ड जैसे फ्री में ही हो जाएगा ना स्टार्टिंग, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? जितना नहीं है वो देख के बता दें। तो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये तीन केस होते हैं। अपर केस में क्या होता है? लोअर केस का मतलब सेंटेंस के साथ नहीं, वो कि अपर केस में सारा लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर, और लोअर में सारा लेटर स्मॉल होता है, लेकिन सेंटेंस में फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। और अक्सर मैं सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आपका नाम लिखिए, किस केस में लिखते हैं आप नाम, नाम का पहला अक्षर हमेशा हाँ लोअर
बड़ा होता है ना, और बाकी सारे स्मॉल होते हैं, यही है ना। तो अक्सर हमारा डॉक्यूमेंट भी किसी इसमें होता है सेंटेंस के, लेकिन क्या चेंज कर सकते हैं, इज दैट पॉसिबल? अब बोलेगा बिल्कुल पॉसिबल है, हम केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस सेंटेंस के। एक और केस होता है टॉगल केस, कौन सा केस होता है टॉगल, लेकिन अपने वहां यूज नहीं है इसलिए नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि एक और केस होता है कौन सा केस टॉगल केस, इसमें क्या होता है? क्या हुआ, पहला इस्तेमाल बाकी सारा सेंटेंस, ऐसा कोई इंटरव्यू किए आपने नहीं करते, क्योंकि किस भाई सॉफ्टवेयर मेकर का है, सबने चीजें वो भी इग्नोर कर रख दिया, उससे मतलब नहीं है। तो हमें इन्हीं केस सेंटेंस केस पे ध्यान, इन्हीं केस पे ध्यान देना होता है, सेंटेंस लोअर और बाय डिफॉल्ट कौन सा केस रहता है बच्चों, बाय डिफॉल्ट रहता है सेंटेंस हमेशा, लिख लीजिएगा। और चौथा भी होता है जिसका नाम क्या है, टॉगल है, लेकिन जिसका यूज नहीं है इसीलिए इसको नहीं डालते। गया तो दिक्कत नहीं हो रही है ना। देखिए जो चीजें जैसे ऑप्शन मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर कहीं बाहर का ही है, जो ऑप्शन अपने वहां यूज है एटलीस्ट हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे और उनको समझ लेंगे, समझ जाएंगे तो भूलेगा नहीं, रट्टा नहीं मारना, समझना। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? किस कितने होते हैं, तीन, कौन कौन से, और एक चौथा भी होता है, बोलिएगा। तीन बताने के बाद कहिएगा सर एक चौथा भी होता है, क्योंकि हो सकता है लोग आपसे डिबेट कर दे कि नहीं चार होता है, तो आप क्या बोलेंगे? तीन बताते ही नाम लेते ही कहिए कि सर एक चौथा भी होता है, जिसका नाम क्या है अच्छा टॉगल केस है, लेकिन वो अपने साइड में यूज नहीं होता है। सर देखिए इसका फॉर्मेट होता है कि पहले इस्तेमाल होता है, बाकी सारे कैपिटल होते हैं, ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो मैंने क्या पढ़ाया था इसमें कि डाटा लाने की क्या होती है शॉर्टकट की, सॉरी फार्मूला लग होता है, क्या होता है फार्मूला, और कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं बच्चों, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इक्वल टू डाटा लाने का फार्मूला क्या है, रैंड है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो डाटा आएगा लिमिटेड आएगा, लेकिन अगर नंबरिंग डाल लेंगे तो उतना पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। हमने एंटर कर दिया, देखिए कितने पेज का डाटा आया है और किस पेज पे है, पहले पे कंट्रोल जेड, अब देखिएगा इसमें मैंने 4 4 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर। अब कितने पेज का डाटा आया, वही वही पेज का है, नहीं है, अभी आ जाएगा, फिर एक बार क्लिक करिए सही हो जाएगा। कितने पेज का डाटा है, 9 पेज का डाटा है, नंबर डालने की वजह से। अच्छा वो 44 डालेगा मतलब क्या था, कितने पैराग्राफ आए होंगे, कोई दिक्कत, चलिए अब देखना है क्या है कि अभी हमारा जो दिख रहा है डाटा वो किस केस में दिख रहा है। देखिए वीडियो का पहला लेटर कैपिटल है, सेंटेंस केस दिख रहा है, अच्छा जिसको चेंज करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए, कहाँ चले जाइए, डबल ए, डबल ए मतलब चेंज केस, क्लिक करिए और यहाँ ऑप्शन दिया सेंटेंस लोअर अपर और टॉगल, ठीक है। अब देखिए तो जैसे ही आप लोअर पे करेंगे, देखिए सब लोअर हो जाएगा और एरर भी आने लगेगा, एरर आ रहा है। अच्छा एक चीज आज ही जान लीजिए कि दो लाइनें बनती है किसी भी वर्ड, कोई भी शब्द है उसके नीचे दो लाइनें बनती है, एक रेड में बनती है और एक ब्लू में, पहले ग्रीन बनती थी अभी ब्लू बनने लगी है आजकल। तो आज ही समझ लीजिए कि किसी भी शब्द के नीचे रेड लाइन बनने का मतलब और ब्लू लाइन बनने का मतलब क्या होता है। अगर किसी शब्द के नीचे रेड लाइन बन रही है, इसका मतलब उस सिस्टम के हिसाब से जो वर्ड आपने लिखा है वो गलत है, क्या है, गलत है, वो शब्द गलत है, भले से आप अपना नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो भले से आपके हिसाब से आपके नाम की स्पेलिंग सही है, लेकिन वो गलत आएगा, या कोई ऐसा शब्द लिख रहे हैं जिसमें स्पेलिंग एरर है उसमें नीचे भी रेड लाइन बनेगी। अच्छा आपके नाम के नीचे रेड लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि आपके नेम या मेरे नाम जिसके भी है, हम सबके नेम हिंदी नेम है, क्या है, हिंदी नेम,
और इंग्लिश में लिखेंगे उससे तो जैसे कि मान लो फॉरेन वगैरह में इंग्लिश में ही नाम होता है, विलियमसन, रिचर्डसन होता है ना, टिम स्टब्स, टिम डेविड, सब अलग अलग नाम है इंग्लिश टाइप के, तो उन लोग के नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी, लेकिन हम लोग के नाम के नीचे अंडरलाइन आएगी, तो हम लोग के नीचे भी आएगी और हम लोग के नाम के नीचे भी आएगी, और कुछ ऐसे शब्द लिख रहे हैं इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं जिसकी स्पेलिंग आप छोड़ दिए हैं उसके नीचे भी रेड लाइन बनेगी। यानी रेड लाइन बनने का मतलब होता है कि वो वर्ड आपने क्या लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। और ब्लू लाइन आने के मतलब पहले ग्रीन आती थी, अभी ब्लू आने लगी है, और ब्लू लाइन आने का मतलब होता है कि कुछ उसमें ग्रामेटिकल एरर है। क्या दिक्कत है? ग्रामर की दिक्कत है, हो सकता है कि किसी शब्द का पहला लेटर कैपिटल करना चाहिए था और आपने क्या कर दिया है, इस्तेमाल कर दिया है, इसीलिए एरर आ रहा है। जैसे मान लो वीडियो है, ये वीडियो है पहला सेंटेंस का पहला लेटर है और आपने भी इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे इसको कैपिटल कर दीजिएगा देखिए एरर हट जाएगा कुछ टाइम के बाद, ये ठीक है अभी नहीं हटेगा, वो सब पे अब देखना पड़ेगा ना, एक एक करके अब चेक करना पड़ेगा। या आप कुछ मत करिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए और क्या करिए, इसका केस चेंज कर दीजिए, सारे ईरर हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। देख रहे हैं अब ईरर आ रहा है, वो सब ईरर क्यों आ रहे थे, सिर्फ केस चेंज होने की वजह से है ना, ग्रामेटिकल ईरर की वजह से। और ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हैं, अपर कर देंगे, अपर में क्या होगा, सारे ईरर कैसा दिख रहा है, कैपिटल लिख रहा है। इसमें फायदा यह है कि मान लिया कोई कोई लाइने लिखे रहे थे, दो चार पन्ना लिख दिए, बाद में हमें लगा कह रही यार इसका केस चेंज करना है, अपर में करना है, लोअर में करना है, सेंटेंस में करना है, तो इसमें आसान सी सुविधा दी गई है आपको कि आप आसानी से इसका केस क्या कर सकते हैं, बदल सकते, कोई दिक्कत। अब ये दिया हुआ है कि कलर चेंज कर सकते हैं, वर्डपैड में भी दिया था, हाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसी का सिलेक्ट कर लिया, उसका कलर चेंज कर दिया, देखो चेंज हो गया, और करना है तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, जो कलर ले लेंगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या नाम क्या है, टेक्स्ट कलर, क्या नाम है इसका, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर, क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। और ये बगल में जो दिया हुआ है वो हाईलाइटर है, नहीं होता हम लोग हाईलाइटर यूज करते हैं किताबों में, वही है, तो जो कलर आपको अच्छा लग जाए वही कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हाईलाइट कर दीजिए। अच्छा हाईलाइटर लगता है तो बीच में गैप छोड़ता है, देखो देख रहे हो व्हाइट व्हाइट सा गैप छुपा हुआ बीच में, हाँ तो गैप छोड़ता है हाईलाइटर, तो दिक्कत। उसको हटाना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ वापस आएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, नो कलर, ठीक हो गया। और इसको सही करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से कलर वापस है ब्लैक कलर, तो दिक्कत। चलिए मान ली इसको हमने कलर चेंज कर दिया, रेड कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, इसको हाईलाइटर लगा दिया, कितनी सारी फॉर्मेटिंग हुई, बहुत सारी हो गई, हाँ बहुत सारी हो गई। अच्छा ये फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, मान लीजिए बहुत अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है फिर भी लग रही है मान लीजिए, और यही फॉर्मेटिंग हमें थर्ड पैराग्राफ पे भी लगाना है, किस पे लगाना है, थर्ड पैराग्राफ पे, लेकिन हमको पता ही नहीं कि फॉर्मेटिंग लगी कहाँ से, पता होता तो लगा देते, कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन ये फॉर्मेटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है मुझे। और ये फॉर्मेटिंग जो पहले पैराग्राफ पे है उसी को तीसरे पैराग्राफ पे करना है, तो मान लो तरीका पता ही नहीं है तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो मैं छोड़ा था फॉर्मेट प्रिंटर, ऐसे कंडीशन पे यह यही काम करता है, नाम से लग रहा होगा आपको फॉर्मेट प्रिंटर, ये मैंने टेक्स्ट पे क्या किया है, फॉर्मेटिंग ही ना की है, क्या किया है, फॉर्मेटिंग ही ना की है। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है कि किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना, क्या करना, पेन मत चलाइएगा अभी लिखवाएंगे, तो कॉपी छीन लेंगे और क्लास से बाहर कर लेंगे, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और देखो अभी हमारा पॉइंटर कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, इसके साथ कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, बस हम फॉर्मेट प्रिंटर को ऑन कर देंगे, देखिए ऑन हो गया, हाईलाइट हो गया ना, फॉर्मेट प्रिंटर हाईलाइट हो गया ना, मतलब ऑन हो गया, देखिए अब कुछ दिख रहा है इसके साथ, क्या दिख रहा है, एक ब्रश दिख रहा है, मतलब वो उसका कॉपी कर लिया है, अब तैयार है लिपा पोती करने के लिए, ठीक है। बस जिसपे लिपा पोती आपको करना है आप बस सिलेक्ट करिए, और जैसे ही आपकी फिंगर हटेगी लेफ्ट बटन से, देखिएगा समझ में आया, तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है बच्चों, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना और उसकी मदद से वो सेम फॉर्मेटिंग जो आपने कॉपी की है वो कहीं अन्य पे भी क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। जैसे देखो सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट प्रिंटर बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया, एक ही बार ऑन होता है, फिर ऑन करिए, जरूरी नहीं कि पूरे सेंटेंस पे ऑन करें, हमको टू मेक पे करना है, बस टू मेक पे देखिए,
समझ में आ गया। तो हेडिंग बनाइए फॉर्मेट पेंटर, हेडिंग बनाइएगा फॉर्मेट पेंटर और इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिएगा ये, कॉपी करने का कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट भी। चलिए ये शॉर्टकट की अप्लाई करता नहीं वैसे, लिख लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट हो गया। चलिए तो फॉर्मेट प्रिंटर का लिखिएगा कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कॉपी करने के लिए किया जाता है। हो गया। और लिखिएगा और इसकी मदद से कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को किसी अन्य वर्ड वर्ड डब्ल्यू आर डी कामा टेक्स्ट कामा लेटर कामा सेंटेंस कामा एंड लिखिए एंड पैराग्राफ एंड पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। बताइए लाइक कितने लोगों को समझ में नहीं आई जो बोला गया अभी। अमित खड़े हो जाओ, पढ़ो क्या लिखवाया गया है, पढ़ो कॉपी में क्या लिखवाया गया है। प्रिंटर है, प्रिंटर नहीं लिखे हैं आप लोग, पेंटर PAINTER है। हाँ बोलो, तुम बताओ ब्रजेश बाबू, खड़े जाओ पढ़ के सुना दो। कॉपी करने के लिए होता है, मतलब फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किस लिए हो रहा है, किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए और उसकी मदद से वो फॉर्मेटिंग जो आपने कॉपी किया है वो किसी अन्य पैराग्राफ लेटर टेक्स्ट किसी पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते। जैसे मैंने एक टू मेक पे भी कर दिया, एक टी पे भी कर देते, डॉक्यूमेंट पे भी कर देते, सेंटेंस पे कर देते, एक वर्ड पे कर देते, एक पैराग्राफ पे कर देंगे, जहां भी करना है कर लेंगे। समझ में आ गया था? ठीक बैठ जाए। एक बात बताइए आप लोग, पहले पैराग्राफ पे हमने क्या क्या किया है बताइए। पहला टेक्स्ट का कलर बदला है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है और टेक्स्ट को हाईलाइट किया। कितनी फॉर्मेटिंग की है, पांच पांच की है। टेक्स्ट यानी फॉन्ट कलर के जस्ट ऊपर जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? नाम ही है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि सारे फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, क्लियर मतलब सफाया कर देगा, नॉर्मल कर देगा जैसा पहले था। लेकिन इसमें एक कमी आएगी, वो कमी क्या होगी आप खुद देख के बताइएगा। मैंने पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, फॉर्मेटिंग हटी, क्लियर हुई। लेकिन कौन सी फॉर्मेटिंग, जो आपने टेक्स्ट पे किया था।
जितना आपने अक्षर पे लगाया था सिर्फ वही फॉर्मेटिंग क्लियर हुई है, उसके बैकग्राउंड वाली नहीं हुई है, यानी जो उसे हाईलाइट किया था वो नहीं आया हुआ हटा। लेकिन टेक्स्ट पे जितना काम किए थे, बोल्ड किए थे, इटैलिक किए थे, अंडरलाइन किए थे, कलर चेंज किए थे, इस चारों क्या हो गया, हट गया। इसे क्या समझ में आ रहा है कि क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट यानी अक्षर की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड को नहीं करता। अगर बैकग्राउंड को करना है तो क्या तरीका बताया हूँ, सिलेक्ट करना है और उसी वाले ऑप्शन में क्या कर देना है, इसको क्या कर देना है बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखिएगा क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है। सिंबल बना लीजिएगा, ऐसे ही सिंबल जैसे बना हुआ है कि उसके नीचे रबड़ बना हुआ है, इरेजर, उसका नाम क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नाम है इसका। देखिएगा क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट, TEX, टेस्ट मत लिख लीजिएगा आप लोग, TEX बोल रहा हूँ, यक्स यक्स से रूबरू होंगे आप लोग, है ना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है, उसके बैकग्राउंड का नहीं। लेकिन वही लिब्रे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है ना? तो फॉर्मेट प्रिंटर समझ में आ गया आप लोगों को, और क्लियर फॉर्मेटिंग आ गया ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे अगला ग्रुप जिसका नाम क्या होगा, पैराग्राफ ग्रुप। इसीलिए मैं कहा था थोड़ा रुक जाइएगा, फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बताएंगे बाद में, क्योंकि ये बोल्ड इटैलिक पढ़ लेते तभी ना इसके बारे में समझते। और एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है उसके बगल में, जिसको जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट, जिसको टाइपोग्राफी भी बोलते हैं, टाइपोग्राफी बोलते हैं। इससे क्या होता है, टेक्स्ट पे इफेक्ट डाल पाएंगे आप प्रभाव। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, जैसे मान लो सिलेक्ट कर लिया और इसको क्या कर दिया, देखो ये देखो देखना चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है ना, ये इफेक्ट डालने के लिए टाइपोग्राफी बोलते हैं या टेक्स्ट इफेक्ट बोल लीजिए, जो भी बोलते हैं करेंगे ना। उसमें ऑप्शंस भी दिया है कि आउटलाइन का कलर चेंज करना है, जैसे मान लो कोई आउटलाइन का कलर तो चेंज कर लीजिए, या शेडो लगाना है तो शेडो लगा लीजिए, देखो शेडो आ जाएगा पीछे, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो रिफ्लेक्शन दिखा दिया, ऐसे नीचे दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो जो भी चाहिए होगा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो दो ग्रुप आज काम करेंगे आप, क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉर्म ग्रुप, ये दोनों हो जाएगा प्रैक्टिकल में ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, कोई ऑप्शन जो नहीं समझ में आ रहा हो सारे आ जाएंगे, खुद अप्लाई करना है आप लोगों को, सारे ऑप्शन यूज कर लीजिएगा, उसके बाद टाइपिंग या जो भी करना होगा, क्योंकि तो देखता हूँ मैं अक्सर लोग आप लोग ड्राइंग करते रहते हैं, तितली उतली बनाते रहते हैं, तो पहले प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद ही कुछ बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बस थैंक यू क्लास।